Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी और भी तेज होती जा रही है। वहीं अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के उनके गद्दार वाले बयान का एक बार फिर से जवाब दे दिया है। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पायलट ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर दिए गए बयान का जवाब भी दे दिया। सचिन पायलट ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मैं मानता हूं कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी ऐसी संस्कृति है कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं, हमने उनका हमेशा सम्मान किया है। जिस व्यक्ति ने यह शब्द बोला है, सवाल उनसे पूछना चाहिए। जो मेरे लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे सुनकर किसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे। मैं कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। इन शब्दों से किसे लाभ मिलेगा। शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं जाते। पायलट आगे कहा कि आप विरोध कर सकते हो, असहमत हो सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया जिसका बाद में मुझे अफसोस हो, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आ जाते। जनता के बीच मेरी शाख कम हो, अगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं तो बहुत तरीके हैं आप अपनी नापसंद दर्ज कराने के। सीएम अशोक गहलोत ने गद्दार कहा था। बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल कहा था, जिसे बगावत की हो और जिसे गद्दार कहा गया, ऐसे व्यक्ति को विधायक कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, गद्दारी की है। गहलोत ने सचिन पायलट पर भारतीय जनता पार्टी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा था कि 2020 में उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलकर अपनी ही सरकार के गिराने की कोशिश की थी। तो अब जो है, इस बयान पर सचिन पायलट ने स्पष्ट तरीके से जवाब दे दिया है। बाकी उनके जवाब से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।